जिस मानसी नेगी ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, उस मानसी नेगी के गांव को जोड़ने वाली सड़क देख लीजिए। यकीन मानिए, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप, जवाब भी दीजिएगा, ऐसी बदहाली पर क्या कहेंगे आप। चमोली जिले का मजोठी गांव हाल ही में सुर्खियों में आया, इसकी वजह थी मानसी नेगी। मानसी नेगी ने हाल ही में नेशनल लेवल पर गोल्ड जीता और इतिहास रच दिया। मानसी नेगी किन हालातों में पली बड़ी है ये बात आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको मानसी नेगी के गांव को जोड़ने वाली सड़क का हाल बता रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने जब हमें ये वीडियो भेजा तो एक बार के लिए हम भी हैरान रह गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2007 में इस सड़क का निर्माण किया गया था। अब जरा यहाँ का हाल देख लीजिए। नमस्कार दगड़ियों, शुभ दोपहरी। तो आज हम आपको उत्तराखंड शासन एवं चमोली जिला प्रशासन की नाकामियों से रूबरू कराते हैं कि किस प्रकार चमोली प्रशासन आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और जो क्षेत्रीय लोगों की सड़क संबंधी समस्या है उसके निराकरण को लेकर प्रशासन आग बूंदे खड़ा हुआ है। यूँ तो चमोली से लेकर सरतोजी तक जो सड़क निर्माण हुआ है, इस सड़क की काफ़ी दयनीय स्थिति है, लेकिन इसके बीच में अनेक अति संवेदनशील स्थान हैं जहाँ की कभी भी कोई भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सभा लासी के अंतर्गत ग्राम सभा लछारी के समीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त सड़क इसका जीता जागता प्रमाण है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कि किस प्रकार से बुरी तरह से यह सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। इस सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। वर्ष 2007-08 में PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण किया गया था, पर लेकिन आज भी आम जनमानस के कल्पना के अनुरूप इस सड़क हमें उपलब्ध आम क्षेत्रवासियों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। जिस प्रकार की सड़क यहाँ के क्षेत्रवासी चाहते हैं, उस प्रकार की सड़क प्रशासन एवं शासन द्वारा उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। यह जो स्पॉट है काफ़ी डेंजर बना हुआ है, जो कि सड़क दुर्घटना को खुले रूप से निमंत्रण करता है। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता है और संभावनाओं से हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन यदि इस सड़क की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो संभवतः यहाँ वाहन दुर्घटना का शिकार हो सकती है, जिसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से चमोली प्रशासन होगा, क्योंकि यहाँ के आम क्षेत्रवासियों द्वारा एक बार नहीं अनेक बार शासन एवं प्रशासन को पत्र व्यवहार के माध्यम से इस समस्या के विषय में अवगत करा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी 4-5 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई, कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों ने बार बार शासन और प्रशासन को खत भेजा, लेकिन हमारे दर्शक का कहना है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, हमारे दर्शक ने हमें जब दूसरा वीडियो भेजा तो हमें निराशा हुई। इसी जगह पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन जब आप ये हाल देखेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ये लछारी गांव के समीप ही दूसरा संवेदनशील स्थान है जहां कभी भी कोई भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और दुर्घटना का शिकार हो सकता है। पहले यहाँ ये बैरिकेडिंग नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर एक वाहन दुर्घटना हुआ जिसमें 3 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी, उसके बाद शासन एवं प्रशासन द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई। और मुझे लगता है कि शासन एवं प्रशासन अभी भी किसी नई दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है और उस दुर्घटना के घटित के बाद ही शायद वो इस पर कोई एक्शन लेंगे, जो कि काफ़ी निंदनीय है।
कितना डेंजर जोन ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सड़कों का ये हाल देखकर रोना आता है। पहाड़ के लोग मजबूरी में मारे जा रहे हैं, कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। तो हमारे दर्शक ने आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। यदि शासन एवं प्रशासन द्वारा इस पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है और इस सड़क का सुधारीकरण नहीं किया जाता है तो मजबूरन हम सभी क्षेत्रवासियों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद एवं आशा है कि सभी क्षेत्रवासी हमारा सहयोग करेंगे। और यदि किन्हीं कारणवश सहयोग नहीं कर पाते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से जिला अधिकारी महोदय के दफ्तर में आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। हमारे दर्शक ने बताया कि यही वो सड़क है जो इंडिया की चैंपियन मानसी नेगी के गांव को भी जोड़ती है। ऐसे हालातों से निकलकर मानसी नेगी चैंपियन तो बन गई, लेकिन मानसी नेगी के गांव को जोड़ने वाली सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़।